अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो वंस अगेन हम स्टार्ट करने वाले यहाँ पर कल के आगे। कल तक हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के अंदर हमने देखा था टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के आगे का जो पार्ट है अभी वो हम लेंगे। और टू पार्टिकल सिस्टम में एक पॉइंट मैंने लास्ट में रखा था कि अगर हम ओरिजिन सेंटर ऑफ मास से मान ले तो क्या होगा, है ना। तो देखो जरा, अगर मैं ऐसे लेता हूँ कि मेरे पास में दो पार्टिकल्स हैं, एक है मास m1 और एक है मास m2। ठीक है, ये दो पार्टिकल हो गए यहाँ पे, और ये दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा। मान लेते हैं हमेशा दोनों पार्टिकल के बीच में होगा। जब टू पार्टिकल सिस्टम लेंगे आप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू पार्टिकल सिस्टम। और टू पार्टिकल सिस्टम में क्या करेंगे, देखो जरा, टू पार्टिकल सिस्टम m1 m2, इनकी एक लाइन होती है जो ज्वाइन करती है इनको, है ना, ऐसे। तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, लाइन पर। कितने दूर वो नहीं पता, कहां पे वो नहीं पता। अगर ये मास और ये मास एग्जैक्टली सेम है तो एग्जैक्टली बीच में आएगा। लेकिन अगर ये m1 और m2 है तो, अगर ये m1 और m2 है तो फिर ये सेंटर ऑफ मास है मान लो। तो ये दोनों का मास टोटल यहां रखा हुआ सपोज कर लेते अपन, है ना, यहां मास रखा हुआ है तो सपोज कर लेते। अब ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा, तो ये दोनों को डिस्टेंस बोलना पड़ेगा कुछ तो भी। अगर हमने इसको डिस्टेंस बोला r1 और इसको डिस्टेंस बोला r2, मान लो r1 r2 दो डिस्टेंस बोल दिया हमने, तो अगर ये दोनों डिस्टेंस है तो मैं इसको फॉर्मूले में ऐसा लिख सकता हूं क्या, यानी कि मास इंटू r सेंटर ऑफ मास बराबर होगा, है ना, मास इंटू r सेंटर ऑफ मास, ऐसा लिखे, इट इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2। ये है मोमेंट ऑफ टोटल मास अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये हो जाएगा आपका m1 r1 और ये हो जाएगा m2 r2। अब बात ये हुई कि ये जो RCM है, हमारा ओरिजिन भी तो वही है, ओरिजिन भी तो हमारा वही है। हम क्या लेते हैं कि इफ ओरिजिन ओरिजिन इज एट सेंटर ऑफ मास, देन अगर सेंटर ऑफ मास पे हमारा ओरिजिन है तो RCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, RCM इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि RCM, कल की जो डायग्राम अगर आपको याद आ रही होगी, तो RCM वो था m1 को मिलाने वाला r1 था, m2 को मिलाने वाला r2 था, और r सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाला RCM था। अब सेंटर ऑफ मास को किससे मिलाने वाला था, ओरिजिन से। अब ओरिजिन कहां पे बैठेगा जाके, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर, जीरो हो जाएगा, मानना पड़ेगा जीरो है। तो इसको मान लिया जीरो, अगर ये पूरा जीरो हो गया तो मतलब देयरफॉर m1 r1 बराबर हो गया m2 r2 के। लेकिन अपन बोलेंगे यहां पे तो प्लस है, अगर मैं इसको लिखता हूं प्लस इट इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। मास तो नेगेटिव होता नहीं है, मतलब r1 और r2 में से कोई तो भी एक नेगेटिव है। अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये m1 के ऊपर मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो ये हमारे पूरे सिस्टम को, ये सिस्टम को एक रॉड जैसा एक सिस्टम ऐसा समझो, अगर मैंने इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो पूरे सिस्टम को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाया तो क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव। मान लो एंटी क्लॉकवाइज बोले तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज घुमाया बोले तो देखो जरा, अगर ये घुमा रहा एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, अच्छा m2 पे भी नीचे का फोर्स लगा, वो किधर घुमाता, क्लॉकवाइज, मतलब वो, अरे वो नेगेटिव है, और ये, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर हमको ऐसा मत समझाओ, हमारे को r1 r2 डिस्टेंस के हिसाब से समझाओ। मैंने बोला कि ओरिजिन कहाँ है, बोलो, ये है ना सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में सारे डिस्टेंस, अरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नाम की चीज सुने कभी,
क्या रहती है? ओरिजिन के लेफ्ट में सारा और ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना, वही है ना, वो लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू इज इक्वल टू जीरो. मतलब क्या हुआ? एम वन आर वन बराबर है एम टू. इसका मतलब ये हुआ कि आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एम टू अपॉन एम वन. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस की वजह यह है कि वो बता रहा है कि जो हेवियर मास होगा, जो हेवियर मास होगा, हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी की तरफ होगा, हेवियर मास की तरफ होगा. ठीक है, ये बता रहा है हमको कि हमारा सेंटर ऑफ मास हेवियर मास की तरफ होगा. ठीक है, कैसे? देखो जरा एक एग्जांपल दे दो. समझ लो यहां पर एक मास रखा हुआ है और ये कुछ दूरी है, यहां पर एक मास रखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ले रहे अपन, इसका मास है 1 किलोग्राम और इसका मास है 100 किलोग्राम और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 सेंटी वाला मीटर. तो मुझे ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? नियर टू, है ना, नियर टू 100 kg चला जाएगा. अच्छा, नियर टू 100 kg जाएगा. मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो आर वन आर टू डिस्टेंस होंगे हमारे, मान लो, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास हमारा जो है 100 kg की तरफ यहाँ कहीं पे है, मान लेते हैं ना, मानने में कुछ मसला है क्या? सेंटर ऑफ मास यहाँ है मान लो, ऐसा मान लिया. ठीक है, अगर ऐसे मान लिया तो मैं ये वाले डिस्टेंस को बोलूंगा आर वन और ये वाले डिस्टेंस को बोलूंगा, तो फिर जब मैं लिखूंगा आर वन अपॉन आर टू तो ये हो जाएगा एम टू अपॉन एम वन और एम टू अपॉन एम वन की वैल्यू कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका आर टू अपॉन आर वन, कितना है? आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू 100 अपॉन 1, ऐसा है ना? ठीक है, 100 अपॉन 1 बहुत ही ज्यादा ले लेंगे अपन ने, इसको 4 करो बोलो, अभी बोलो 25 हो गया. ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? 25 अपॉन 1. यानी कि आप देखेंगे अगर के R1 जो है ये अपने को बता रहा है कि 25 वैल्यू आ रही है, इसका मीनिंग समझा सकते हैं कि मेरे को आप लोग? इसका मीनिंग क्या होगा बोलिए? 25 किधर से? 25 किधर से? लेफ्ट से. तो सेंटर ऑफ मास तो आपका लेफ्ट में चलेगा, फिर तो आप बोलेंगे राइट से. फिर हाँ, हाँ हाँ, अच्छा, वो 100 kg है, ये 4 kg है, 25:1 आया. एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास कहाँ बैठ रहा हमारा? ये रेशो में आ रहा, वो ये रेशो का मतलब समझ रहे हैं आप? ये जो पार्ट है ये 25 है और ये जो पार्ट है ये एक टाइम, वन टाइम, और ये 25 टाइम. मतलब कितने सेंटीमीटर होगा बोल सकते क्या? ये वाली लेंथ कितने सेंटीमीटर होगी? इसको ऐसा लिखू क्या मैं? R1 बराबर है 25 टाइम R2. अब बोलो R1 की वैल्यू 25 टाइम R2 के बराबर है तो R2 की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी. सोचो अगर इसको 4 किया तो ये 4 × 25 बोले तो R1 की वैल्यू, लेकिन वो तो नहीं बैठ रहा, 2 होगी. अगर इसकी वैल्यू 2 मान लिया तो ये कितना हो गया? 25 × 2 बोले तो 50. R1 की वैल्यू कितनी? तो R2 की वैल्यू कितनी? R2 की वैल्यू 2 बोले ना, इसकी वैल्यू 50 बोले. रेशो कितना है दोनों का? 2 और 50 का रेशो 1 और 25, है ना, बराबर है ना. अच्छा, आप कंफ्यूज अगर हो रहे होंगे तो मैं आपको उसको दूसरा तरीका बताता. ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए.
ऐसा कुछ है क्या? चलो अपन आसान करेंगे उसको, उसके बाद देखेंगे कि ये अपने जो निकाले ये वैल्यू सही थी कि गलत थी, बोल के तो ठीक है, क्योंकि ये अपना तो रेशो से आया, ये रेशो है, इसमें से अभी R1 R2 की वैल्यू निकली नहीं, अभी R1 R2 की वैल्यू नहीं निकली, अभी सिर्फ अपन ने क्या करे रेशो निकाले। R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए अपने पूछ फॉर्मूला चाहिए, क्या फॉर्मूला लगेगा देखो जरा, लेट लेट ओरिजिन ओरिजिन एट 4 kg मास, सेंटर ऑफ मास पे ले सकते हैं अपन, ये केस अलग है, सेंटर ऑफ मास पे अपन ले सकते हैं ओरिजिन, लेकिन मेरा क्या दिल बोल रहा है लेने का, ओरिजिन मानो 4 kg मास पे, ठीक है 4 kg मास पे मान लो, अगर 4 kg मास पे ओरिजिन मान लिया तो ओरिजिन से हमारे 100 kg का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और ओरिजिन से 4 kg मास का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जीरो, तो हमारा केस तो आसान हो गया। कैसे आसान हो गया देखो, हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होगा x सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x, यानी कि x किसको बोल रहे हैं हम, ये वाले डिस्टेंस को बोल रहे हैं, ये वाले डिस्टेंस को हम x मान रहे हैं, ठीक है, कहां से मान रहे, ओरिजिन से, ओरिजिन किसको माना, देखो 4 kg मास को ओरिजिन मान लो, मान लिए, इधर कौन रखे हुआ है 100 kg मास, 100 kg, 100 kg का डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, अपना सेंटर ऑफ मास कहां पे मालूम है अपने को, नहीं पता, उसकी दूरी कितनी है x, ये वाली यहां बता देता हूं, लेट सेंटर ऑफ मास की दूरी x है, तो वो अपने को मिलता कैसा, देखो सेंटर ऑफ मास की दूरी अगर x है तो अपन क्या करते, ओरिजिन अपन ने कहा माना, यहां पे 4 kg पे, देखो फॉर्मूला लिखेंगे, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे m1 और क्या आ जाएगा r1 प्लस m2 या x1 x2 लिख लो, अच्छा दिखेगा, उधर r1 r2 से कंफ्यूज नहीं होंगे आपके, इधर आ जाएगा x2, m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, मुझे बताओ x1 और x2 की क्या वैल्यूज है, x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 100, बराबर है ना, ओरिजिन से गिनना पड़ता, बराबर है कि नहीं, ओरिजिन से गिन लिया, अच्छा ये जो अपन जिसको x बोल रहे हैं ये क्या है अपना, ये r सेंटर ऑफ मास, मेनली r सेंटर ऑफ मास है, वो अपने को डिस्टेंस दे देगा r सेंटर ऑफ मास का, आपको वो r सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला लगाने का तो आपके पास वैल्यू आती r cm इज इक्वल टू m1 x1 बोले दो, क्योंकि x1 की वैल्यू 0 है इसलिए पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस m2, m2 की वैल्यू कितनी है 100 इंटू सेंटीमीटर है, वो एक केजी में सेंटीमीटर में है, एक केजी में सेंटीमीटर में है, तो ये 100 अगर सेंटीमीटर है ना तो इसको मीटर करो, मीटर बोले दो 1 मीटर, तो इसको यहां पे 1 मीटर लिखो, दोनों या तो मीटर में चाहिए, दोनों एसआई यूनिट में चाहिए, या तो दोनों सीजीएस में चाहिए, समझे, अगर आप इसको 100 सेंटीमीटर बोलना चाहते तो इसको ग्राम्स में बोलना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है, क्योंकि नीचे भी अभी मास आने वाला है, देखो नीचे का मास कितना है 4 प्लस 100 बोले तो 104 है ना, ये केजी में वैल्यू है, अगर अपने पास में ये वैल्यू है तो ये वैल्यू कितनी होगी 100 अपॉन 104, 100 अपॉन 104 का मतलब क्या होता है 50 अपॉन 52, 50 तो ये ऐसे लिख देंगे ना डायरेक्ट, फिर अपॉन 25 अपॉन 26, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 26, 0 पॉइंट कुछ तो आएगा वैल्यू 0.9 एग्जैक्टली निकाल लेते हैं ना, ठीक है ना, 25 अपॉन 26 बोला ना अपने को, जीरो पॉइंट नाइन सिक्स एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है 0.9615 होती है लेकिन 0.96 ले लो, 0.96 का मतलब क्या है, ये मीटर है, मतलब r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर, कहां से 4 kg से 96 सेंटीमीटर,
मतलब अगर आप R1 की वैल्यू को अगर देखना चाहो तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये इक्वेशन को अगर अपन दोबारा से यहाँ पे बनाते हैं तो अपने को वैल्यू ऐसी मिली कि ये 100 केजी है, ये 10, ये 4 केजी है और ये सेंटर ऑफ मास है, यानी है वो दूर है, वो यहाँ है वो, और ये सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास जो है ये 96 सेंटीमीटर पे है, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस 96 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 96 और ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, इस तरह का अपने को वैल्यू मिला। क्या 96 और 4 ये दोनों भी वही रेशो में है जो रेशो यहां पे आ रहा था अपना? क्या रेशो उनका बराबर है क्या? नहीं है, क्यों? 24 और 25 अपने को यहां पे क्या मिला था वैल्यू? ये क्या था? M2 की वैल्यू, और ये किसकी? M1 की वैल्यू है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये कितना है? 100 अपॉन 4 बोले तो कितना हो जाएगा? 25 अपॉन 1 बोले तो R1 की वैल्यू 25 टाइम्स R2 है, R2 की वैल्यू कितना है? अगर 4 है तो एग्जैक्टली कितना आना चाहिए था? 100 आना चाहिए था, फिर ऐसा क्यों हुआ? वैल्यू तो करेक्ट है ना पूरी, ये 4 केजी लिया, 100 केजी लिया, ये निकाला वैल्यू, ये रेशियो में आता है सेंटर ऑफ मास पे अगर ओरिजिन लिया तो। M1 R1 ले बोला अभी 96 इंटू 4 इट इज इक्वल टू M2 R2 होता है क्या? 96 सेंटीमीटर यानी कि 0.96 इंटू 4 और इधर कितना हो जाएगा? ये कितना है? 0.04 इंटू 100। M1 R1 M2 R2 करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा वो वैल्यू। देखो M1 R1 बोले क्या हो जाएगा? M1 कितना है? 4 इंटू R1 कितना है? 0.96 यानी कि 3.84, ठीक है, और उधर कितना है? 100 केजी इंटू 0.04 ये आता है 4, ये वैल्यू आती है 4, एक वैल्यू आ रही है 3.84 और एक वैल्यू आ रही है 4, इसीलिए वो रेशो कंफर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक की वैल्यू आ रही है 3.84 और एक की वैल्यू आ रही है 4, यानी कि वो एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर में ये 96.15 होता है, अगर ये 96.15 है तो इधर 4 में से भी कुछ सेंटीमीटर कम हो जाता है ना, ये रफ फिगर्स है, ये रफ फिगर्स है, इसीलिए वो सेटिस्फाई नहीं करा ये इक्वेशन को, समझे बात को? ऐसा है तो आपको मेन फॉर्मूले पे ध्यान देना है, मेन फॉर्मूला ये वाला है समझो। तो अगर ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने को डायरेक्ट रेशो देते हैं, तो डायरेक्ट रेशो के अंदर में M1, M2 और R1, R2 जो है इनवर्स रिलेशन में आ जाते हैं। अपने को यहां तक कि ये चीज पता है कि बड़े वाले मास की तरफ हमारा सेंटर ऑफ मास जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन उसकी यहां से नहीं मिली ना, यहां से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली तो कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी, ये वाले फॉर्मूले से आपको, ये वाला मेथड जो है आपका, ये वाले मेथड से आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है। अब ये तो मिला, अपन क्या करते हैं? चलो ठीक है, इतना लिख लो, मैं आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हो। R1 और R2 का एक फॉर्मूला बना के रख सकते हो, एक फॉर्मूला ही बना के रख लेंगे अपन R1 R2 का, फटाक से लिखो। अभी क्या लिए थे? 100 और 4। अगर मैं इधर एक मास लेता हूं 1 केजी और उससे 100 सेंटीमीटर पे लेता हूं 4 केजी, अभी सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा बोलो? 4 केजी की तरफ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये R1 और ये डिस्टेंस है R2, ये किस रेशो में डिवाइड होने वाले हैं? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M2 कितना है? ये कितना है? यानी कि 4 टाइम्स R1 की वैल्यू कितनी हुई? 4 टाइम्स, वही रेशो है ना, वो 100 और 4 वाला एग्जांपल था, ये 4 और 1 वाला है, कुछ फर्क है इसमें? एग्जांपल में फर्क नहीं है। क्या ये मैच करेंगे हमारा? बिल्कुल कर सकता है। देखो सर, अगर मैं बोलता हूं आपको कि ये कितना हो जाएगा R1, अब ये रेशो में डिवाइड हो रहा, किस रेशो में डिवाइड हो रहा? 4 और 1, तो 4 और 1 बोले तो कितने हिस्से कितने हो रहे टोटल? 5, ऊपर 4 हिस्से नीचे एक हिस्सा, ये टोटल 100 सेंटीमीटर है, इसको 5 हिस्से में डिवाइड करो, 20 का एक हिस्सा हुआ,
तो मतलब ये जो हिस्सा आया आपका ये कितने का है, 20 सेंटीमीटर का, और ये कितने का है, 80 सेंटीमीटर का। क्या रेशो बराबर हो रहा, देखो वाला रख, आर वन अपॉन आर टू, आर वन की वैल्यू कितनी है 80, आर टू की वैल्यू कितनी है 20, आंसर क्या आ रहा 4, बराबर है ना। तो डिवाइड हुआ कि नहीं उससे, फिर अपने क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ था, वो हुआ था। आर वन की वैल्यू कितनी आई थी, आर वन अपॉन आर टू की जो वैल्यू आई थी अपनी, वो कितनी थी मालूम है, 96 अपॉन 4 है ना। 96 अपॉन 4 मतलब ऊपर कितना, 48 अपॉन 2 यानी 24 अपॉन, तो अपना मासेस का रेशियो 25:1 था ना, रफ करे थे अपन ने, इसीलिए ये वैल्यू ऐसी आई थी। ठीक है, तो जो पहले निकाले थे अपन ने वो 24:1 आया, रफ फिगर करेंगे तो 24:1, एग्जैक्ट क्या आना चाहिए था 25:1। ठीक है, तो वहां 25:1 आता है, लेकिन वो जो सेंटीमीटर थे ना अपने, वो डेसिमल में चले जाते, फिर 25:1 पूरा आता है, पक्का आता है उधर भी। ठीक है, तो उधर भी ये वैल्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन था अपना उसमें भी ये वैलिड थी, यहाँ पे भी ये वैलिड है। अच्छा, अगर मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा ले लिया, देखो एक एग्जाम्पल ऐसा ले लिया, इधर 2 kg का मास और इधर 3 kg का मास, तो मुझे बोल दो कि आर वन आर टू किस रेशो में डिवाइड होने वाले, 3:2 में ना, आर वन आर टू का रेशो क्या आने वाला है, 3:, टोटल हिस्से कितने हो रहे, 5, यानी के इधर 2 हिस्से बैठने वाले आपके और इधर 3, 3:2, ये 3 हिस्से के बराबर होगा टोटल डिस्टेंस के, और ये 2 हिस्से के बराबर होगा टोटल डिस्टेंस के। तो अगर अपन ऐसा कर लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर बोले तो टोटल 15 सेंटीमीटर इनके बीच में की दूरी मान लो, अगर मान लो 15 सेंटीमीटर टोटल दूरी है, तो 3 हिस्से मतलब 15 के आपको 5 हिस्से करना पड़ेंगे, 3 और 2 कितने हो गए 5, 15 के 5 हिस्से करो कितने हो गए, 3 का एक हिस्सा हो गया, तो इधर वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, 3:3 बोले तो 9 सेंटीमीटर, इधर 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये 6 सेंटीमीटर। क्या सेंटर ऑफ मास एकदम बराबर से आया, रेशो के हिसाब से डिवाइड भी हुआ। ये जो देता है ये आपको कितने हिस्से किसको मिल रहे हो देता, और ये 3 और ये 2 ऐड करके सोच लेना 5, और टोटल डिस्टेंस को 5 हिस्से में डिवाइड कर देना और फिर उसको तकसीम कर देना, बराबर है कि नहीं, ऐसे करेंगे ना। अच्छा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं ना अपने फॉर्मूले। अच्छा, फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था कि एक्सप्रेशन फॉर आर वन एंड आर टू, आर वन और आर टू के लिए एक एक्सप्रेशन चाहिए अपने को, एकदम शॉर्टकट। अपन बोलते कि वो मत बोलो सर, ये यहाँ पे ओरिजिन मान लो, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ले लो, कैलकुलेट कर लो, नहीं, एकदम आसानी से चाहिए। तो फिर कैसा करेंगे, देखो एक्सप्रेशन निकालना है तो दो मासेस यहाँ पे ले लो M1, यहाँ पे ले लो ऑब्वियसली, और आपके पास में R1 R2 तो निकालना है आपको। लेट सेंटर ऑफ मास यहाँ है, अपन ले लेंगे लेट मास 2 जो है बड़ा है मास 1 से, मास 2 बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास उसके तरफ शिफ्ट हो गया। सेंटर ऑफ मास अगर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका R1, लिखोगे इसको R1, ये डिस्टेंस R1 हो जाएगा और ये डिस्टेंस R2 हो जाएगा, ये अपने को पहले से बात मालूम है। ठीक है, R1 R2 हो जाएगा, अपने को R1 और R2 का फॉर्मूला चाहिए। मैं बोलता हूँ टोटल डिस्टेंस है कितना दोनों के बीच की, टोटल दूरी कितनी है R, मान लो टोटल दूरी कितनी है दोनों के बीच में R, अगर टोटल R दूरी है दोनों के बीच में, कौन दोनों के बीच में कितनी दूरी है R की, ठीक है, इसके फॉर्मूले निकालने के लिए R1 R2 के आपको ओरिजिन किसी एक मास पर मान लेना चाहिए। अच्छा, जहां पे आपका दिल बोल रहा क्या आप मेथड से सॉल्व करोगे, शॉर्टकट नहीं लगाने का है, वहां पे ऑलवेज सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ओरिजिन कहां मानोगे, किसी एक मास पर, क्या करेंगे किसी एक मास पर, और ज्यादा से ज्यादा सबसे लेफ्ट मोस्ट जो होता है उसके ऊपर में। ये शॉर्टकट टेक्निक से है, इसको सिर्फ याद रखने का बोले तो याद नहीं रहते, लिख के रखने का उसको, सबसे लेफ्ट मोस्ट वाले मास को ओरिजिन मान लेना। अगर आपने राइट वाले को माने तो गलत नहीं है, मान सकते हो, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो इधर वाले को मानो, ट्रायंगल आ जाएगा तो किसी को भी मान लो, ओरिजिन कहीं भी मान सकते आप। ठीक है, पूरे सिस्टम के अंदर या सिस्टम से बाहर कहीं भी ओरिजिन हो सकता है आपके, वो दीवार के ऊपर भी ओरिजिन हो सकता है, वो ओरिजिन से अपन ऐसे डिस्टेंसेस ले लेंगे।
चलता, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन आसान जो जाता वो तरीका क्या है, ओरिजिन M1 को मानना है। तो अपन बोलेंगे कि ओरिजिन एट M1। अगर M1 पे आपने ओरिजिन मान लिया, ठीक है, तो डिस्टेंसेस अपन क्या कर लेंगे, डिस्टेंसेस जो होंगे M1 से, M1 X1 फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो अपन बोलेंगे अपने को निकालना है R1 की वैल्यू, RCM इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना। ये जो निकलेगा ये R1 ही निकलने वाला है, ये R1 ही निकलेगा, आप टेंशन मत लो, R1 लिखोगे, लो R1। अपनी दूरी कहां से है, M1 से ना, M1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या बोलते हैं अपने, R1 बोले तो इसको R1 ही बोलो ना, फिर R1 बोल सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। आप XCM बोलोगे तो और अच्छा दिखेगा उसको, ठीक है, CM बोले तो अच्छा दिखता ना उसको। अब देखो M1 X1, M1 की वैल्यू कितनी है मालूम है क्या, तो इसको रखेंगे M1 into X1 की वैल्यू प्लस M2 into X2, X2 कितना है R के बराबर है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, मतलब R1 का फॉर्मूला क्या निकला, M2 अपॉन M1 प्लस M2 into R, ये फॉर्मूला निकला R1 का। किसका फॉर्मूला है ये, R1 का, R1 का फॉर्मूला मिल गया शॉर्टकट में। तो देयरफॉर R1 प्लस R2 टोटल मिला के R के बराबर है ना, R1 प्लस R2 मिलाकर R के बराबर है। तो अगर मुझे R2 चाहिए तो R माइनस R1 की वैल्यू बोलो M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R, इससे इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये M1 प्लस M2 इंटू R माइनस M2 R और होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ओपन करो इसको, M1 R प्लस M2 R माइनस M2 R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, देखो जरा ये M2 R और ये M2 R, तो आंसर क्या आया, R2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, जरा देखो दोनों को, मास इनवर्स है, R1 के फॉर्मूले में M2 ऊपर है, R2 के फॉर्मूले में M1 ऊपर है। चलो शॉर्टकट से हम वेरीफाई करते हैं अपना रिजल्ट उधर का, कोई भी नीचे वाला एग्जांपल, ऊपर वाले नीचे वाला एग्जांपल ले लेते हैं। चलो नीचे वाले एग्जांपल के अंदर R1 की वैल्यू बोलो, R1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या R1 का, M2, M2 की वैल्यू बोलो 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5 है ना, इंटू आर की वैल्यू बोलो टोटल 15 सेंटीमीटर बोले तो 0.15। अच्छा ये तो केजी केजी कैंसिल होने वाला है ना, तो इसको 15 सेंटीमीटर भी बोले तो चलता, केजी केजी कैंसिल हो रहा ना, तो आप सेंटीमीटर भी रखे तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि केजी केजी कैंसिल हो रहा। कितनी वैल्यू आ रही बराबर, ये आ गई 9 सेंटीमीटर, आर वन आया 9, अब आर टू कितना होगा, मतलब ऑब्वियसली फिर निकालने की जरूरत थोड़ी है, फॉर्मूले में डालने का भी उसको डालो, तो फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं है वैसे, समझा। तो ये बोले हो गए आपके शॉर्टकट फॉर्मूले, ये दोनों R1 और R2। अब जहां पे भी आपको R1 R2 निकालने का रहेगा डायरेक्ट ये फॉर्मूले के अंदर में पेस्ट कर देने की वैल्यू है ना, और आंसर तो निकल गया फिर, मतलब। या अगर आपको शॉर्टकट में करना है उससे भी ज्यादा, मतलब ये खुद शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है, ये पूरा मेथड है, ओरिजिन मानो, ओरिजिन मानकर X1 X2 डिफाइन करो, ओरिजिन माने बाद, देखो कुछ लोग कंफ्यूज अभी इस बात में हो रहे हैं कि हम पहले से R1 R2 सब डिफाइन कर ले रहे, फिर हम ओरिजिन भी ले रहे, फिर हम ये X1 X2 कहां से ला रहे, तो ये सब हमारे एजम्पशन से बीच बीच में के। आप R1 R2 मानो ही मत थोड़ी देर के लिए, डायरेक्ट ओरिजिन मानो, मेन क्या मेथड है, ओरिजिन मानो, ओरिजिन पर इसका डिस्टेंस X1, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से X2, फॉर्मूला लगाए आंसर आ गया, वो क्या देगा आपको, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन दे देगा। सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे आ गया तो आप फिर ये डिस्टेंस को d1 बोल दो, इसको d2 बोल दो, इसको r1 बोल दो, इसको r2 बोल दो, इसको l1 बोल दो, इसको l2 बोल दो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, लॉजिक समझ में आना चाहिए ना बस थोड़ा सा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो उसके बाद में फिर ये r1 r2 x1 x2 मायने नहीं रखते, वो सब आपके दिमाग में चलता रहता है कि r1 r2 कब लेना, x1 x2 कब लेना, हम x1 x2 कब लेंगे, अब चलो सेग्रीगेट कर देंगे, हम आसान कर देंगे बच्चों के लिए,
आर वन आर टू कब लेंगे, जब हम शॉर्टकट फॉर्मूले अप्लाई करने वाले हैं, है ना। सेंटर ऑफ मास को मान लेना कहीं तो भी, इसको आर वन बोल देना, इसको आर टू बोल देना, ये टोटल डिस्टेंस आर रहता और ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देना, स्टॉप। चलो दूसरा एग्जांपल, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या, ओरिजिन किसी एक मास से मान लेना, वहां से जब डिस्टेंसेस लोगे, मासेस के डिस्टेंस, उसको x1 x2 बोलते हैं। x1 x2 कभी भी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस नहीं होता, x1 x2 मासेस के डिस्टेंस होते हैं, किसके, मासेस के, कहां से, ओरिजिन से, खत्म। ऐसा है तो दो तरीके है अपने पास, अलग अलग पैरेलल चलते दोनों तरीके, ये तरीके से निकालो या ये तरीके से निकालो। अच्छा अब इससे भी ज्यादा शॉर्टकट किसी को करने का है तो वो ये ऐसा करेगा, R1 R2 इज टू M2 अपॉन M1 कर लेगा, मासेस का रेशियो देख लेगा, मासेस का रेशियो में 4 प्लस 1 बोले तो 5 हिस्से करना पड़ रहे, टोटल डिस्टेंस के 5 हिस्से करना, इधर 4 हिस्से इधर एक हिस्सा बिठा देना, बस खत्म आ गया। आपको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं, उसको करने का है वेरीफाई तो करते बैठो, वो R1 R2 फॉर्मूले लिखो फास्ट से। मल्टी पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम समझ में आ गया अपने, ठीक है। एक बात याद रख लेना, एक लाइनर है, वन लाइनर लिख लो अपने बुक्स में कभी तो भी कहीं तो भी, के सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ऑलवेज, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ऑलवेज लाइज, ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन joining the two masses, line joining the two masses always lies on the line joining the two masses. and between the two particles, बाहर नहीं बोलने का है ना, ऐसे नहीं हो सकता ना, सेंटर ऑफ मास बाहर के हिस्से पे बोले तो, दो पार्टिकल है M1, M2 जैसा आपने अभी लिया था और उसका सेंटर ऑफ मास लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, लाइन ज्वाइनिंग पे है लेकिन वो दोनों मासेस के लेफ्ट में है, दोनों मासेस के राइट में है, ऐसा नहीं चलता ना, कहां पे होना चाहिए, दोनों मासेस के बीच में कहीं तो भी होना चाहिए, कहीं तो बीच में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ HCl molecule if they are separated by distance 1.3 angstrom, 1.3 angstrom दूरी पर, 1.3 या और आसान करने का क्या उसको, 1 angstrom पर ऐसा ले लो, 1 angstrom, 2 angstrom चलता, ठीक है ना, 2 भी चलता, 2 भी लिए तो चलता, 1 angstrom लिया मतलब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर जैसा अपन ले रहे थे बस वैसा ही है ये, ठीक है। 1 angstrom दूरी पर HCl मॉलिक्यूल है, उसका अपने को सेंटर ऑफ मास चाहिए। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टीडियस जाएगी क्योंकि इसके अंदर जो मासेस है, मासेस कितना होगा बोले बोले, 1 और मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ग्राम, ऐसा ले लू, और मास ऑफ क्लोरीन 35.5 ग्राम, ऐसे रहता है, कैसे बातें करते हो क्या मतलब आप, हाँ ये उनकी मोलार वैल्यूज है ना, अरे ये मोलार वैल्यूज है ना, एक एक मोल के लिए ना ये वैल्यू, अपन एक एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अभी, ये तो एक मोल की वैल्यू है, तो इसको सिर्फ यू में ले लो, इसको भी यू में ले लो, यू बोले तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यू में लेके कैलकुलेशन कर लो, ग्राम में बोलोगे तो मोलार वैल्यू है ना, वो तो एक मोल जब होगा सब्सटेंस, एक मोल बोले तो 22 लीटर कम से कम है ना, 22.4 लीटर है वो, तो जब आप 22.4 लीटर उनको लोगे तब उसकी वैल्यू 35 ग्राम लिखी जा सकती है ना, तब 35 ग्राम बोल सकते हैं, अभी ग्राम थोड़ी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। खैर अपना मास से ऐसा रिलेशन नहीं है कि उसकी यूनिट कुछ भी लगाओ आपका आंसर सेम आने वाला है, आप उसको यू लगाओ तो भी आंसर सेम आएगा, आप ग्राम लगाओ तो भी आंसर सेम आएगा, केजी लिख दोगे तो भी आंसर सेम आएगा, मान
आप बोलोगे 35 किलो का रहता क्लोरीन और जो तो ये 1 किलो का रहता हाइड्रोजन, फिर भी बराबर आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा अब ये सिस्टम को समझना है, सिस्टम कैसे समझेंगे कैसे समझेंगे सिस्टम है दोनों क्लास में, ये सिस्टम को बनाते कैसे, ड्रॉ कैसे करते, बोलो पीछे मत बैठा करो, आज फ्रंट आओ, दोनों उठो, आप दोनों भी फ्रंट आओ, बोलने की नौबत नहीं आना रे बाबा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता, इतना बोरिंग पढ़ा रहा है, नींद आ रही, उसको भी पेजा गिनते बैठे बुक में, सो जाने कुछ नहीं कर रहा बेंच पे, अरे ये बेंच सोने लायक भी है क्या, अपन बोलो कुशन ला लेंगे अच्छे में का, अपने क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा, मेरे लेक्चर में नींद आती बोल देता है ना। हाँ तो देखो ये सिस्टम कैसा रहता, ये है हाइड्रो और ये है क्लो, H प्लस Cl माइनस आयन, NaCl ले लो आपके क्वेश्चन में, बनाओ ना खुद से क्वेश्चन, बहुत मुश्किल है कि बेटे बनाना क्वेश्चन, नहीं ना आसान है ना बनाना, इधर Na ले लो इधर Cl ले लो, है ना, कुछ भी मॉलिक्यूल ऐसे जो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, NaOH है, ठीक है, तो किधर भी आप जोड़ो बस और उनके बीच में का डिस्टेंस मालूम करो बस, और अपने को यहाँ कितना दिया 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 का पावर -10 मीटर, ऐसा 1 एंगस्ट्रॉम ऐसा है वैल्यू, ठीक है 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं उसको, तो 1 एंगस्ट्रॉम उसकी वैल्यू है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाने वाला है, ऑब्वियसली क्लोरीन के पास जाने वाला है, ऑब्वियसली क्लोरीन के पास चलेगा। अब निकालेंगे कैसा, आर वन का फॉर्मूला लगाओ, एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू आर, आर टू का फॉर्मूला लगाओ, एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू आर, बस खत्म हो गया। आर की वैल्यू आपको मालूम है, आर की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रख दो सबसे अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम इसको लिख देना 1 और आगे ऐसी एंगस्ट्रॉम की सिंबल डाल देना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम, इसकी वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम, और जब दोनों में आप 1 लिखोगे तो वहां पे कट कुटा के कुछ तो बचेगा वैल्यू, और वो आएगी वैल्यू 0. समझो 97, एक तरफ आ जाएगा 0.97 और एक तरफ आ जाएगा 0.3, एक तरफ आ जाएगा 0.97 और एक तरफ आ जाएगा 0.3, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो 0.97 किससे, इससे, और 0.3 किससे, क्लोरीन से, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि सोचो, मैं आपको बताता हूँ सेंटर ऑफ मास सिस्टम का फायदा कहाँ पे है। अपन एक सीसा बना रहे हैं, सीसा, ठीक है ना। अब सीसा बनाने के लिए अपने क्या चाहिए मालूम है, 2 प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर में 2 बंदे बैठेंगे, एक तरफ बिठाओ एक 80 किलो का बंदा और एक तरफ बिठाओ एक 20 किलो का बंदा, बैठ गए दोनों भी। अब मैं आपको बोल रहा कि ये दोनों चेयर पे बैठ गए, दोनों के बीच में अपन ने एक रॉड भी लगा दी है, दोनों चेयर पे बैठे हुए, मैं बोल रहा ये दोनों ने बैलेंसिंग से ऐसा ऐसा ऊपर नीचे होना, इसके लिए अभी जो बीच में जो आप सपोर्ट देंगे वो सपोर्ट किधर देंगे, नियर टू 80 kg वाला, है ना, नियर टू 80 kg वाला, अपन दोनों को बोलेंगे दोनों उठे बैठे और वो ऐसा सरकाते सरकाते अपन क्या करेंगे, वो ऐसा वो सपोर्ट सरकाते सरकाते जाएंगे और वो 80 kg वाले के करीब में ऐसा रखेंगे कि वो दोनों बैलेंस में आ जाएंगे, ये 20 किलो वाला या 80 किलो वाला, दोनों बैलेंस में, अपन बोलेंगे अब खेलो बेटे, अब खेल रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि सीसा जो ओरिजिनल में होता है, गार्डन में आप जाते हो देखते हो, तो सीसा ओरिजिनल में कैसा रहता है कि उसका सेंटर बीच में होता है, अब बीच में रहा तो आपको अगर बैलेंस करना है तो उधर और इधर दोनों तरफ सेम केजी वाले बंदे बिठाना पड़ेगा, तो यही तो लॉजिक है अपना भी, है ना। आर वन और आर टू ये डिस्टेंस दोनों सेम उसी वक्त हो सकते हैं जब मासेस दोनों सेम हो, मासेस दोनों सेम हो तो आर वन आर टू दोनों सेम रहेंगे, है ना, ऐसे हो जाएगा। मतलब अपने यहाँ पे ये आ गया एम और ये आ गया एम, ये लो ये दोनों सेम आ गए, ये डिस्टेंस इनके बीच में आर है, तो मुझे बोलो कि जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो क्या सेंटर में नहीं आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आएगा। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी और इसकी वैल्यू आर बाय टू, आर बाय टू, है ना, अगर 100 सेंटीमीटर था तो 50 इधर 50 उधर, बराबर तो नहीं, ऐसा है तो ऐसा ही है। और अगर समझो केजी बदल गए, उधर 40 किलो का बंदा बैठ गया, उधर 10 किलो का ऐसा बैठ गया, तो फिर क्या हो जाएगा कि सीसा तो अनबैलेंस हो गया, वो 40 किलो वाला सीधा नीचे जाएगा और ये ऊपर ही हो जाएगा। अब इसको नीचे करना है तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है सीसा में बैलेंसिंग का, सिर्फ वो सपोर्ट को लेकर चल जाओ उसके नीचे, खत्म, ठीक है। यही तरीके से एक और हम एक बड़े पत्थर को भी हिला सकते हैं जगह पे से, मालूम है, ये देखो ये इतना बड़ा स्टोन है,
अब ये स्टोन आपसे नहीं हिल रहा, आप चाहते हो मैं बहुत ही कम फोर्स लगाऊं लेकिन ये बैलेंस हो जाए मेरे साथ, उड़ जाए, तो अपन क्या करेंगे, एक रॉड लगाएंगे इसके नीचे, ऐसा रॉड लगाने के बाद अपन उसको ऐसा रॉड से धक्का दिए तो नहीं जाता वो, क्या करना पड़ेगा, अपने को एक बैलेंस लगाना पड़ेगा इसके नीचे। अगर आप वो बैलेंस यहां लगाओगे, अब उठाओ, पॉसिबल ही नहीं है, उठा ही नहीं सकते आप कभी से नहीं। इधर 100 बंदे भी लटक गए ना तो इसको उठा नहीं सकते हो, उसको धक्का नहीं दे सकते, ये रोल होकर आगे चल जाएगा, बड़ा पत्थर है ये, रोल आके आगे जाएगा, आप इसके ऊपर लटक गए पूरा, कुछ नहीं हो रहा। आपको बोला गया बेटे ऐसा मत करो, ये जो सपोर्ट है इसको यहां दे दो, खत्म। अभी आप अकेले गए, एक हाथ से पकड़े गए वो, ये कहां जाएगा वो नहीं मालूम, वो गया वो रोलिंग मोशन में, अब और वो रोलिंग मोशन में कितनी तबाही मचाएंगा भी नहीं मालूम, पहाड़ पे ऐसा कर दिए तो गए काम से, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, है? तो ये है तरीका बड़ी बड़ी चीजों को हटाने का, दूर हटाने का, ठीक है। अब ये बेंच दिख रहा, ये बेंच को मैं जाकर ऐसे उठाने की कोशिश करूंगा तो बहुत हेवी है, मुझे दो हाथों से उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं उसको हल्के हाथ से उठा दूं अगर, तो मैं एक रॉड लूंगा, वो रॉड को, क्योंकि ये तो आप देख रहे प्लेटफॉर्म तो है अपना बने हुआ पहले से, ये प्लेटफॉर्म के नीचे मैं थोड़ी सी रॉड डालूंगा ऐसी, ठीक है, थोड़ी सी, यानी कि रॉड का सिर्फ इतना हिस्सा नीचे जाना चाहिए प्लेटफॉर्म के सपोर्ट से, बाकी पूरा मेरे तरफ, और मैं सिर्फ ऐसे करूंगा तो बेंच ऊपर। ये सेंटर ऑफ मास का ही खेल है पूरा, कि आप सेंटर कहां रख रहे हो। इसको एक और फिजिक्स बोलते हैं, इसके पीछे एक और लॉजिक है, ये जो है ना, ये सेट कहां करने का, इसके पीछे एक और लॉजिक है, वो बाद में बोलूंगा मैं आपको, जब अपन रोलिंग मोशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई क्या? तो मल्टी पार्टिकल सिस्टम क्या होता है वो देख लेंगे एक बार। मल्टी पार्टिकल सिस्टम, मल्टी पार्टिकल सिस्टम के अंदर में क्या करो, एक ऐसा ओरिजिन मानो, ठीक है, ओरिजिन यहां, ये वाई एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, ठीक है, पार्टिकल्स बिछा दो, 2D ले लो, अभी 3D मत लो, अभी 2D ले लो, 3D में भी सेम इफेक्ट आएगा, पार्टिकल बिछा दो m1, उसकी दूरी r1, m2 r2, m3 R3, M4, R4, M5, R5, कितने जाने का चाहो ना, MN, कहाँ पे है MN, तो यहाँ ले लेंगे, MN, इसकी दूरी, RN, MN, RN, बस, बहुत ले लिया अपन, N नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए, अब N नंबर ऑफ पार्टिकल ले लिए, सेंटर ऑफ मास है कहाँ, नहीं, सेंटर ऑफ मास मालूम ही नहीं अपने को भी। ये है आपका पार्टिकल सिस्टम, ये पार्टिकल सिस्टम देखो, मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखो जरा, इधर दिख रहा, तो मतलब सेंटर ऑफ मास भी कहीं इन लोगों के हिस्से में बीच में यहां आने वाला, कहते हो कहीं तो नहीं मालूम है कहां आएगा, बस इधर आएगा, लेकिन इतना मालूम, यहां तो नहीं आ सकता ना, जहां पे मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां आता है वो, तो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन इधर है देखो ऐसा, तो हमारा सेंटर ऑफ मास यहां आने की उम्मीद है, तो हम इसको बोलेंगे आर सेंटर ऑफ मास, टोटल मास यही होता है ना, टोटल मास अगर यहां होता है तो इसको ओरिजिन से मिलाओ, ये वैल्यू क्या हो जाएंगे आरसीएम, और ये मास क्या हो जाएगा एम। अब अपने को बस वो चाहिए, मास है टोटल, आरसीएम की वैल्यू चाहिए, तो आरसीएम में, आरसीएम को लिखने का तरीका कैसे होता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, आरसीएम कैन बी रिटन एज एक्ससीएम कॉमा वाईसीएम, जेडसीएम भी बोलना है तो बोल लो ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट डिफाइन करना पड़ेगा एक्स वाई जेड में, अभी हमने एक्स और वाई में डिफाइन करे, तो अभी आपको एक्स और वाई में बोलना है, तो बोलो एक्ससीएम की वैल्यू क्या आएंगी, बोलो एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 और ऐसा करते करते mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस करते करते mn MN तक, बराबर है क्या, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये क्लोरीन वाला भी वीडियो में से देख लेना, एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना, अपने फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, क्या लिखे, XCM इज इक्वल टू, अगर मैंने ऐसा लिखा तो समेशन ऑफ MI
xi, mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi. i का मतलब है 0 से लेकर, 0 नहीं, 1 से लेकर, 1 से लेकर n तक. i का मतलब है i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक. समेशन ऐसी लिखते ना, यह है समेशन लिखने का तरीका. फिर इसी तरह सिमिलरली ycm की वैल्यू बोलो, समेशन ऑफ mi yi अपॉन समेशन ऑफ mi, अरे नीचे mi, और यहां पे 1 से लेकर n तक, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, खत्म. समझे, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, x और y कोऑर्डिनेट मिल गए, तो ले जाके RCM में रख देना, वैल्यू मिल गई आपको. ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं आप मल्टी पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास. समझी बात अच्छे से? ठीक है, एकदम आसान है ना. यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर इसको इलाबरेट किया तो इसका मतलब है आई की वैल्यू 1 रखो तो क्या हो जाएगा, ये एम वन वाई वन, समेशन का मतलब है प्लस करो, प्लस एम टू वाई टू, प्लस एम थ्री वाई थ्री, प्लस एम फोर वाई फोर, प्लस 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 आखिरी एम एन वाई एन, ऐसा. ठीक है, ये मतलब है ऊपर का. नीचे का मतलब है एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम कंटिन्यू. ठीक है, ऐसा है. तो ये समेशन का मतलब होता है, ये है एक्स और वाई, और ये है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट. जब आ जाएंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख देना. जब क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि लेट एम वन, एम वन की वैल्यू देगा आपको एक्स वन वाई वन, ये देगा एक्स टू वाई टू, ये देगा एक्स एन आर एक्स एन वाई एन. ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया जाता है मासेस की वैल्यू, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दी जाती है. क्या ये बात यहां तक समझ में आई? ठीक है, चलो लिख लो फिर इसको कंप्लीट. अरे वीडियो को, वीडियो वालों को बोलने का है वो.